देखा जाए तो एक बार हमने 3 तारीख को इनको पावर एसी लाइव सेट से निकाल के चालू करवाई थी। मुझे बताओ किस किसने की है पावर एसी निकाल के, दिखा दो, पक्का यहाँ पर। फिर अगर बात करेंगे 4 तारीख चौथे ही दिन में, जो हमने इनसे बोला था काउंसलिंग के दिन कि आपको सीपीयू निकलवा के चालू करवाएंगे, मुझे बताओ किस किसने किया यहाँ पर? हमने सर। सबने किया ना यहाँ पर? ठीक है, तो उसके बाद में हमारे लाइव डायग्नोस्टिक आ रही है। यस सर। आ रही है? यस सर। तो क्या बीप आने से खराब है क्या? नो सर। बीप चेक करना है क्या? नो सर। क्या चेक करना है? जीआर। सेम जीआर। सेम जीआर। बोलो सेम जीआर। सर मुझे बताओ कि आज का सेक्शन कैसा था? आज बहुत मजा आया सर। क्या था आज? आज डेट सेक्शन था हमारा। हाँ। और टोटल पीस जितने भी वहाँ बॉक्स के अंदर है वो टोटल जितने भी स्टूडेंट है उन्हीं के है। यहाँ पर ना आप घर से लाए हैं ना इस क्लास के हैं। टोटल उसी पर हमारे को सर्च करा और काम करके हमको बताया उस पर सब, और लाइव हमारे को सब काम करके बताया। और जिसमें कोई डायग्राम यूज किया गया? नो सर। बताओ डायग्राम यूज किया क्या? नहीं तो लोग तो बोलते हैं डायग्राम के बिना तो डेट बना ही नहीं सकते हैं। यस सर। यस सर। तो मैंने बहुत सारी लाइनों को बताया और मैंने ये भी बताया कि डायग्राम के साथ कौन सी लाइनें देखना है, बहुत सारी लाइनों को भी बताया आपने। सर सर। तो मुझे बताओ स्टूडेंट को क्या आना चाहिए यहाँ पर? सर उनको जितनी जल्दी हो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर लेना चाहिए सर। अच्छा सर, इसमें हमने डीसी में चेक किया तो उसकी 0.9 पे आके स्टक हो रही थी, तो उसके बाद हमने पोर्ट चेक किया तो ये ऑटो पोर्ट बना रहा था। तो ऑटो पोर्ट बनाने के बाद हमने उसकी जो EMMC IC है वो निकाली, और उसको निकालने के बाद हमने पावर आईसी और उसके रीडिंग लिए, तो वोल्टेज लिए तो वोल्टेज हमको मिल गए, तो पावर आईसी सही थी। तो फिर हमने EMMC IC को UFI बॉक्स में चेक किया, तो चेक करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि EMMC IC डैमेज है, तो डैमेज थी तो हमने दूसरी EMMC ली और उसको प्रोग्रामिंग किया, और उसके बाद हमने उसको मोबाइल में लगाया तो हमारा फ़ोन सेट चला। देखिए जैसे यहाँ पे मेन पावर पेयर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सर्किट में। अब मान लीजिए किसी भी सर्किट में, क्योंकि मैं बहुत सारे डायग्राम में भी दिखाऊंगा, मैं शुरुआत ध्यान से कर रहा हूँ। अब किसी भी सर्किट में ये मेरी पावर आईसी है, तो ये जो कैपेसिटर्स है अगर मैं इनको टच करूँ, देखो और ध्यान देना, ये जो कैपेसिटर्स है इन कैपेसिटर पर सब पर देखो कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं इन पर टच करूँ, डबल टिक करूँ, ये देखो तो ये लाइन से कैपेसिटर यहां पर आ गए, ये लाइन से कैपेसिटर यहां पर आ गए। दीपक सर इसको सिंक्रोनाइज करो इसके सारे मिनट डाल दो। देखो मैंने भी ना यहां से बहुत सारे कैपेसिटर्स लाइन से बनाए हुए, इन कैपेसिटर का बहुत बड़ा फंडा है समझना। ये कैपेसिटर हमारे मेन पावर में इनपुट के लिए बनाए गए हैं, और हर एक कॉइल के लिए, बक कॉइल के लिए कैपेसिटर बनाया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये देखो ये पूरे लाइन से कैपेसिटर लगे, ये पूरे लाइन से कैपेसिटर लगे, और यहां पर ये है पीएम है, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये पीएम है, और यहां पर इस पर इनपुट वोल्टेज VDD लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताओ? अच्छा देखो, इन सब पर अगर ये वोल्टेज आएंगे तब जाकर ये बक के वोल्टेज बनेंगे, क्योंकि यहां पर ये इनपुट है और ये क्या है बताओ, पूरी लाइन इनपुट है। ये कह रहा है कि मुझे वोल्टेज कितने लिखे हुए बताओ? दो वोल्टेज। कितने लिखे हुए हैं? दो। ध्यान देना, इस पर वोल्टेज बताओ, इस पर वोल्टेज कितने लिखे हुए बताओ? 0.8। कितने लिखे हुए हैं? मतलब मुझे DC to DC IC चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा बोलो? बक। देखो कितना वोल्टेज, 0.8, 0.7 आना चाहिए यहाँ पर। आ रहे यहाँ पर? इसका मतलब इसका क्या सही है होता? इसका बक कन्वर्टर सही है, मतलब जो सीपीयू को वोल्टेज भेज रहा है वो भेज रहा है, जो सीपीयू को वोल्टेज भेजना है वो भेज रहा है, समझना। अब इसमें थोड़ा और आगे जाते हैं। देखो इतना समझ में आ रहा है? मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं? ये किसका आउटपुट है? ये जो है, एक मिनट
ये जो है ये मेन पावर का आउटपुट है, किसका आउटपुट है बोलो, और यही चीज जो अंदर 0.8 पहुंच रही है, ये चीज सीपीयू का क्या है बोलो, बनाऊंगा बग का सलूशन। अभी आओ और समझो, इन बग वोल्टेज में दो वोल्टेज ऐसे हैं, देखो इन आप आपने ना सिर्फ कोशिश करो तीन वोल्टेज को मेजर करो, 1.8, 1.3 और 2। 0.8 जितना भी वोल्टेज है वो सब सीपीयू को जा रहा है, पर 0.8 मिल गया बक ओके है, पर हमारा एलडीओ को भी तो इनपुट चाहिए, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, एलडीओ को भी क्या चाहिए, देखो हर एक को इनपुट चाहिए तो ही तो आउटपुट बनाएगा। अब हमारा ईएमसी कब वोल्टेज भेजा, बात तो ये है ना, तो इसलिए यही पावर आईसी इन्हीं दो बक कॉइल से दो वोल्टेज और बनाती है, बताओ ये कौन सा, और ये सीपीयू के लिए नहीं बनाती, ये किसके लिए होती है, तो ये एलडीओ का इनपुट वोल्टेज होता है, एलडीओ का क्या होता है बताओ, ध्यान दो मैं डायग्राम में बता रहा हूं, देखो जैसे यहां पर 6A है, ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है, यहां पर मेन पावर आईसी पे गया, ये मेन पावर आईसी पे गया, अब यहां पर इसको ए पे करता हूं, सबसे पहले यहां पे सीधा कॉइल पे जाता हूं डायरेक्ट, ये देखो कॉइल पे गया, ये कॉइल आ गया, ये ऑब्वियस है ए ही आ जाएगा, ये देखो ए आ गया। अब सब लोग इसको ध्यान से देखना, सब लोग इसको ध्यान से देखना, यहां पर तो यहां पर ये बताया है कि इस आईसी को सबसे पहले इनपुट चाहिए वीएस बायस, मतलब चार वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, चार वोल्टेज क्या चाहिए, इनपुट, और हर एक को उसी इनपुट को, इसके अंदर एसएमपीएस होता है, उसी के अंदर उसको क्या चाहिए और ग्राउंड, पैक डिफरेंस, मतलब जो उसका कैपेसिटर है उसके एक और बीपी आना चाहिए, अगर इस कैपेसिटर के एक और बीपी नहीं आया तो ये वोल्टेज काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, तो मतलब आपको इस कैपेसिटर पे कहीं से भी ग्राउंड पे क्या मार देना है, सिंपल सी बात है, आपको ये आईसी खोल के यहां पे ग्राउंड पे नहीं मारना है, यहां से कहीं से भी ग्राउंड, भाई कैपेसिटर पे ग्राउंड नहीं है, कहीं से भी ग्राउंड कर दो वो ग्राउंड हो जाए। अब देखो अब हर एक का इनपुट डी है, जैसे सबसे पहले देखो वी प्रोसेसर कौन सा वोल्टेज बनना बताओ, बोलो वी प्रोसेसर, बोलो फिर से कौन सा वोल्टेज बन रहा है, वी पी आर ओ सी प्रोसेसर होता है, फिर से बोलो क्या बन रहा है, और वी प्रोसेसर आउटपुट तब बनेगा जब वी प्रोसेसर को क्या मिलेगा बोलो, और इन वोल्टेज भी यहां पर वी एस वाई एस, मतलब वही वोल्टेज है, और वी प्रोसेसर में वोल्टेज यहां पर बनेंगे आपके 0.8, फिर उसके बाद में कौन सा वोल्टेज बनना बताओ, वी कोड तब बनेगा जब वी कोड को क्या मिलेगा बताओ, ये प्लस ये माइनस, मतलब इस कैपेसिटर पे चार वोल्टेज यहां पर माइनस, और उसके बाद में कौन सा वोल्टेज बोलो, फिर बोलता है वीपी है, वो 10 ओम से लेकर आपका बेसिकली 800 ओम तक रहता है, कितने ओम तक रहता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लो वैल्यू, क्योंकि बक वोल्टेज जीपीयू के वोल्टेज लो वैल्यू के होते हैं, क्योंकि जितने भी जीपीयू के जो कैपेसिटर होते हैं उनका 10 ओम 20 ओम मतलब ग्राउंड पीक, आप इन कैपेसिटर का भी तो चेक करोगे तो यहां भी बजेगी, यहां भी बजेगी, तो आपको लगेगा कि कैपेसिटर शॉर्ट है, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉर्टिंग हमेशा ऐसे चेक किया जाता है, ध्यान देना ऐसे कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो पहले ग्राउंड का जीआर दिया जाता है, सपोज ग्राउंड का जीआर कितना है, अगर यहां पर 002 आ रहा है और यहां पर 014 आ रहा है तो समझ लो कि शॉर्टिंग नहीं है, ये करेगा जीआर है, ये करेगा क्या है, अगर ये वाकई में शॉर्ट है तो ये कैसा आएगा, जल्दी बताओ, हां इच्छा की तो अगर यहां पर कोई वैल्यू आ रही है कोई क्या भी बताओ, और यहां पर क्या बताओ, ये क्या हो गया बताओ, मुझे बताओ शॉर्टिंग है, ये समझ आ रही है, तो ये वाला कैपेसिटर कोई यहां पर कैपेसिटर ओके और यहां पर कैपेसिटर इसका मतलब क्या हो रहा है जल्दी बताओ, फ्लक्चुएट, लो वीडियो लिया
0.8 फ्लक्चुएट राइट तो ओके 0.8 फ्लक्चुएशन तो सर ये क्या पॉइंट है पहला पॉइंट बताओ जल्दी बोलो क्या चेक करेंगे बोलो पैन देना बक कैप तो हम इसके पहला बक कैप चेक करते हैं समझ लो और अगर वो बक कैप में सारे पर एक और जीआर मिल गया मतलब बक कैप पे हमें चेक करना है सेम जीआर चेक करना है क्या चेक करना है बक कैप क्या चेक कर सकते हैं बक कैप अब देखो इधर इधर देखो सब लोग ये जो फोन है रियलमी 5i इधर हमारे को वोल्टेज अप डाउन हो रहे थे ना यहाँ पर तो इसके वोल्टेज सही करेंगे मतलब हमें बेसिकली यहाँ पर शॉर्टिंग हटाएंगे बेसिकली क्या हटाएंगे जल्दी बताओ शॉर्टिंग सब लोग ध्यान देना अगर मैं यहाँ पर बी मोड पे चेक करूँ सब लोग देखिए बी मोड पे चेक करूँ तो मुझे यहाँ पर ये जो बक कैप्स है इस पर चेक करूंगा मुझे किस पर दोनों ओर बीप आ रही है तो बीप आने से कुछ नहीं होगा इसलिए मैं पहले बी मोड पे चेक कर रहा हूँ इस पर बीप नहीं आ रही इस पर बीप नहीं आ रही ये डवाचा लगाओ इस पर बीप नहीं आ रही नहीं नहीं आ रही है यस सर आ रही है यस सर तो क्या बीप आने से खराब है क्या नो सर बीप चेक करना है क्या क्या चेक करना है सेम जीआर बोलो सेम जीआर कौन सा मोड तो अब यहां पर देखो पहले ग्राउंड का जीआर देखो कितना आ रहा है सब लोग यहां बना दो 002 ये ग्राउंड का जीआर है यहां पर कितना आ रहा है 002 और यहां पर भी कितना आ रहा है बताओ 001 इसका मतलब क्या है शॉर्ट है मतलब ये बक लाइन शॉर्ट है बक लाइन क्या है जल्दी बताओ शॉर्ट है बक लाइन शॉर्ट है और यही रीजन है कि ये वोल्टेज क्या हो रहे हैं बताओ तो बताओ हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे निकाल देंगे और निकालने के बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि शॉर्टिंग हटी की नहीं फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या चाहिए बताओ सीपीयू सही है सीपीयू पे वर्क नहीं इसका मतलब हमें अभी फिलहाल किस पर वर्क करना है और अगर एमएमसी यूएफआई में सही है तो हमें फिर सीपीयू को रिवॉल्व करना है समझ में आ रहा है मेरी बात और अगर सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि एमएमसी और सीपीयू का कोई ना कोई बीच तो हमारा जो ये नोट 4 का फोन है आप देख रहे हैं ये जो अभी हमने डायग्नोस किया है इसमें क्या माइक्रोन का रैम लगा हुआ था और ये फोन हमारा ऑटो कोड बना रहा था ठीक है और कितना डीसी रीडिंग ले रहा था आप लोग बताइए 0.9 छोड़ रहा था कि क्या कर रहा था स्टक हो रहा था ठीक है माइक्रोन का रैम डिटेक्ट होता है नहीं होता है ये सारी चीजें आपको मिलन सर आपको एमएमसी के क्लास में बताएंगे बिल्कुल और आपसे करवाएं हम मतलब करवाएंगे भी क्लास में ऑब्वियस है प्रैक्टिकली यहां पे मैंने ई सॉकेट में लगा दिया इसकी एमएमसी को हां ई सॉकेट मतलब उसके अडैप्टर में एमएमसी कोई बात वो देखना है क्लास में ऑनलाइन में ये सारी चीजें सीखी नहीं जा सकती ये चीज कौन कौन मानता है जल्दी बताओ आज मुझे बताओ आज आप यहाँ आए हो ये जितना भी डेट सेक्शन जो बताया केस स्टडी बताया क्या यूट्यूब में ये डला है क्या देखो तो ये यूएफआई का फॉल्ट था यूएफआई बंद करके वापस खोला ये आईसी ने यहाँ पर फर्मवेयर रीड कर लिया है और नॉलेज को अपनी वैल्यू पता होती है ध्यान देना तो देखो आप एमएमसी लगाएंगे और ये लाइव चल रहा है क्या चल रहा है बताइए लाइव चल रहा है इसे टेलीकॉम में क्लास मैं फिर से पूछना चाहता हूँ इधर आओ कल मीडियाटेक की क्लास किस-किस को अच्छी लगी सर दुर्गेश सर की अब तक की डेट डायग्नोस की क्लास किस-किस को अच्छी लगी बताओ पक्का यस सर वो कोई नॉर्मल क्लास फाइल नहीं है दैट मीन स्टॉक रूम नहीं है ये आपकी बेसिकली इंजीनियरिंग रूम है ये बेसिकली मॉडिफाइड रूम है इसको मॉडिफाई बोल सकते हैं सॉरी तो ये मॉडिफाई है मतलब ये क्लास फाइल को बेसिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि आप इसको एमएमसी चेंज के बाद भी लगा सको तो मॉडिफिकेशन फाइलों का कौन कौन सीखना चाहता है मुझे बताइए सब सीखने से पक्का यस सर तो ये सिखाएंगे जो कहीं नहीं सिखाते
हम आपको फाइलों का मॉडिफिकेशन सिखाएंगे कि अभी ईएमसी को कैसे मॉडिफाई किया जाए फाइलों का, कि स्टॉक रूम से ही हम मॉडिफाई फाइल कैसे डालें। जितना लिखा होता है सब पावर पी एम है, राइट, दोनों ऊपर है, नो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग नहीं है बिल्कुल, मशीन जो ले रही थी 0.9 ले रही थी, 9 क्या 0.09 क्या टेबल होगा, टेबल इसके बाद ओल्ड, पहले हमने पोर्ट बनाया, अब उसका ईएमसी उतार, ईएमसी उतारा, और ईएमसी उतारने के बाद क्या चेक किया हमने, क्या चेक किया हमने, 1.8 और 1.8 और वो कहां से आ रहे थे, वो पावर से आ रहे, तो इसका मतलब क्या ओके, पावर ओके, पावर ओके, तो फिर पोर्ट भी बना रहा था, तो इसका क्या मतलब ओके, हमारी पावर भी ओके थी, सब पावर भी ओके थी और सीपीयू भी ओके, ओके पोर्ट बना रहा था, पोर्ट बना रहा था, हमारा टोटल काम ईएमसी पे रह गया, अब इसकी ईएमसी, और ये चेक कर रहे हैं कि वाकई में अगर ये स्ट्रेटजी या ये जो स्टेटस है, जो स्टेटस मतलब जो पैरामीटर्स है हमारे केस स्टडी के, अगर ये सही है तो ये ईएमसी लगाने के बाद ऑन हो जाएगा हमारा साइट, क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाएगा। देखिए ओ बताओ श्रीनिवास, विवाद श्रीनिवास के पास जाओ दोनों, श्रीनिवास सर ये फोन आप लेके आए थे, हाँ सर, ये हमारा तो नहीं था, नहीं सर, इसको क्या किया हम बताओ, ईएमसी क्या किए, ईएमसी प्रोग्राम करके चेंज किए, और तब जाके उसको चालू किया यहाँ पर, हाँ सर, यहाँ पर इसकी केस स्टडी और कौन बताना चाहेगा बताओ, इसकी केस स्टडी कौन बताना चाहेगा बताओ, बताओ इसने क्या क्या किया बताओ सर, सर इसमें हमने डीसी में चेक किया तो उसकी 0.9 पे आके स्टक हो रही थी, तो उसके बाद हमने पोर्ट चेक किया तो ये ऑटो पोर्ट बना रहा था, तो ऑटो पोर्ट बनाने के बाद हमने उसकी जो ईएमएमसी आईसी है वो निकाली, तो उसको निकालने के बाद हमने पावर आईसी और उसके रीडिंग लिए, तो वोल्टेज लिए, तो वोल्टेज हमको मिल गए, तो पावर आईसी सही थी, तो फिर हमने ईएमएमसी आईसी को UFI बॉक्स में चेक किया, तो चेक करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि ईएमएमसी आईसी डैमेज है, तो डैमेज थी, तो हमने दूसरी ईएमएमसी ली और उसको प्रोग्रामिंग किया, और तो उसके बाद हमने उसको मोबाइल में लगाया तो हमारा फ़ोन सेट चल रहा है। मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत अंदर तक घुस गई है, यस सर, पक्का, यस सर, बैड डायग्नोस की क्लास कैसी लगी बताइए आप, तो एक बार उसके लिए भी क्लैपिंग हो जाए क्या? आपको आपको हर तरह के केस स्टडी बताए गए, बताए गए, डुअल डेकर का भी केस स्टडी बताया होगा, ठीक है, इसे थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका, संतोष, अभी आप क्या करने वाले हैं, सीपीयू निकल रहा हूँ, कौन सा फोन है ये, MI Y1 है जी, तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।